हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध शीर्ष के फूल एक ललित निबंध है। इसमें लेखक ने शीर्ष के फूल की तुलना एक ऐसे अनासक्त योगी से की है जो ग्रीष्म की भीषण तपन सहकर भी खिला रहता है। लेखक इसमें मनुष्य को यह संदेश देते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें नहीं घबराना चाहिए, अपितु कठिन से कठिन संकट का भी उसी प्रकार से सामना करना चाहिए जैसे जेठ की तपती दोपहरी में शीर्ष फलों से लदकर झूमते हुए अपनी मंद सुगंध चारों ओर बिखेरता रहता है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी शीर्ष के फूल निबंध का सारांश जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, शीर्ष के फूल का सारांश। शीर्ष का फूल दोस्तों संघर्ष का प्रतीक है। वह अपनी कठोरता और कोमलता से जीने की कला सिखाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने की कला ही मनुष्य की वास्तविक पहचान होती है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य उसकी सामाजिक उपयोगिता है। अपना पेट तो सब भर लेते हैं, पर जो दूसरों के लिए जीता है उसी का जीवन सार्थक कहलाता है। दोस्तों, यह संसार क्षणभंगुर है और जो भी चीजें हैं क्षणिक हैं, कोई भी स्थायी नहीं है। प्रकृति का शाश्वत नियम है कि इस संसार में जो जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य पड़ता है। जन्म और मृत्यु से इस जगत में कोई भी बच नहीं सका है। व्यक्ति चला जाता है पर समाज, देश तथा व्यवस्था रह जाती है। जब व्यक्ति जानता है कि वह सदा नहीं रहेगा, तब तो नई पौध को अवसर देना ही मनुष्य के लिए उचित है। अधिकार और पद की लिप्सा में लिप्त रहने वाला शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समय से जूझ नहीं पाता। अपने जीवन को लोकहित के लिए समर्पित करने ही जीने की सच्ची कला है, आदर्श मानवता है। दोस्तों, अब हम इसके प्रतिपाद्य को जानते हैं, उसके बाद हम इसके शीर्ष के फूल पाठ के सारांश की चर्चा करेंगे। यह निबंध कल्पलता से उद्यत है। इसमें यानी कि लेखक ने इसको लिखते वक्त कल्पना का सहारा लिया है। इसमें लेखक ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शीर्ष के माध्यम से मनुष्य की अजय विजयविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्य पूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है। लेखक का कहना है कि हम मनुष्य छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं और अपने विश्वास से डगमगा जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे शीर्ष का फूल भीषण गर्मी सह कर भी अपनी जगह खड़ा रहता है और फूलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना कर्म करते रहना चाहिए। निबंध की शुरुआत लेखक शीर्ष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेदकर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उनका भी खोखलापन उजागर करता है। वह अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शीर्ष को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से भी आहत होता है, क्योंकि कवि का मानना है कि योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सात्विक होने की एकमात्र शर्त है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके सारांश को जानते हैं। शीर्ष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध व ललित निबंध है। इस निबंध में जीवन में संघर्ष पर प्रकाश डालकर संघर्षों तथा विषम परिस्थितियों में मनुष्य को अविचल रहने का संदेश दिया गया है। शीर्ष का फूल दोस्तों संघर्ष का प्रतीक है। वह अपनी कठोरता और कोमलता से जीने की कला सिखाता है। विपरीत परिस्थितियों में जीने की कला ही मनुष्य की वास्तविक पहचान होती है। निबंधकार असल में निबंधकार जहां बैठकर यह निबंध लिख रहा है वहां चारों ओर शीर्ष के वृक्ष लगे हुए हैं। वह उनसे घिरा हुआ है। उन्हें देखकर वह उन पर विचार करने के लिए विवश हो जाता है और सोचता है कि कितना रहस्यमय है यह वृक्ष। वातावरण का सब पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, पर इस वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेखन के साथ लेखक वर्तमान से हटकर कुछ महीने पीछे के उस अतीत को याद करता है
जब जेठ की प्रचंड दोपहरी थी, धरती और आकाश ही नहीं बल्कि वायुमंडल भी दहक रहा था। सब जगह निरस्ता थी, सारे के सारे पेड़ पौधे पत्ते सब झुलस गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटें दौड़ रही हैं। ना तो कहीं जीवन दिखाई दे रहा था और ना ही कहीं हरियाली और सौंदर्य। सारा जड़ चेतन गर्मी से त्राहिमान था। फूल सूख गए थे, एकमात्र शीर्ष ही फूलों से सुशोभित था। कुछ फूल खिलते हैं पर कुछ दिनों के लिए। गर्मी में ज़्यादातर यही होता है कि फूल कुछ ही दिनों के लिए खिलते हैं या 15 दिन हाइएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक ही फूल खिले रहेंगे। महीनों तक खिले रहना तो किसी भी फूल के लिए उसकी शक्ति से परे की बात है, लेकिन शीर्ष का खिलना वसंत में शुरू होता है, भादों तक यह फूल खिला रहता है। वातावरण की नितांत प्रतिकूलता में खिलने की शक्ति एकमात्र इसी फूल में है। लगता है शीर्ष का फूल वायुमंडल से प्राण शक्ति ग्रहण करता है, यह लेखक कल्पना करता है। लेखक ने इसे कालजयी अवधूत कहकर पुकारा है और साथ ही साथ इसे भारतीय संस्कृति का द्योतक भी माना है। यह वह प्रतीक है जो प्रतिकूलताओं में हमें जीने की कला सिखलाता है और जीना भी हमें कैसे है, पूर्ण प्रसन्नता और मस्ती के साथ हमें जीना चाहिए। जैसी भी हमारी परिस्थितियां हैं उन्हीं को हमें, उन्हीं के अनुसार हमें ढल कर उसमें जीना चाहिए। शीर्ष के वृक्ष शुभ और छायादार होते हैं। इन्हें ज्यादातर घरों के बागों में लगाया जा सकता है। इसके जो डालियां हैं वह कुछ कमजोर होती हैं, लेकिन फिर भी इन पर झूले डाले जा सकते हैं, क्योंकि लेखक के अनुसार झूलने वाली सुकुमारियों का वजन ही क्या होता है। संस्कृत साहित्य में इसकी अपनी महिमा गरिमा है। यह कोमल और श्रृंगार के योग्य माना गया है। महाकवि कालिदास ने शकुंतला का रूपमंडन इसी शीर्ष पुष्प से किया था। यह किसी तरह से उड़ते हुए भौरे के पद स्पर्श भार को वहन कर पाता है। फूल जितना कोमल है इसका फल उतना ही कठोर है। फल तो अपना स्थान छोड़ना ही नहीं चाहते, नए फूल और फल के दबाव में आकर ही किसी तरह पुराने फल झड़ जाते हैं, अन्यथा सूख कर जो फल नहीं झड़ पाते वो सूख कर डाली में ही लड़खड़ाते रहते हैं और हटने का भूल कर भी नाम नहीं लेना चाहते। सूखने के बाद भी वो फल उसी पेड़ से चिपके रहना चाहते हैं। दोस्तों, लेखक शीर्ष के फूलों में अनेक प्रकार की विशेषताएं देखता है, उससे प्रभावित होता है। कठोरता और कोमलता के साथ साथ वो क्या देखता है, सौंदर्य, मस्ती, सहिष्णुता, प्रसन्नता, अनासक्ति, साहस, सदा स्थिरता, ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जो लेखक को अभिभूत कर देती हैं और वह अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता हुआ कालिदास, कबीर, रविंद्र पंत, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, सभी को एक साथ याद कर लेता है। अकेला शीर्ष इन सब की पृथक पृथक विशेषताओं को समेटे हुए आधुनिक भारतीय नेताओं की भी याद दिलाता है। अपनी कोमलता और सुंदरता से शकुंतला का श्रृंगार करता कालजयी अवधूत की भांति यह फूल प्रतीत होता है। दोस्तों, ये हमने जाना शीर्ष के फूल पाठ का, निबंध का सारांश। अब हम इसका उद्देश्य जानते हैं। निबंधकार के विचार से मानव मात्र को ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें कोमलता, सरलता, कठोरता, संघर्ष, मस्ती आदि सभी का समावेश हो। जो व्यक्ति आनंद और बिछोह से युक्त प्रत्येक स्थिति के मध्य संभाव से जीने का अभ्यासी है, वही जन मन को समझने में सक्षम है। जो मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को अड़िग रखता है और किसी भी परिस्थिति में हताश, निराश, उदास नहीं होता, वही मनुष्य आगे बढ़ सकता है। जीवन के झंझवातों से जूझने की प्रेरणा हमें शीर्ष के फूलों से लेनी चाहिए। मनुष्य कष्ट और धैर्य का संबल लेकर ही जीवन के प्रति आस्था और दृढ़ संकल्प शक्ति बनाए रख सकता है। सांसारिक जीवन में साधारण मनुष्य अपने सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, आशा निराशा से प्रभावित होता रहता है, पर अनासक्त योगी जो होता है उसका जो व्यक्तित्व है वह जीवन की विषम परिस्थितियों के प्रभाव से कभी भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह कभी भी पराजय स्वीकार नहीं करता और हर संघर्ष में अजय रहता है। कबीर, कालिदास, पंत, रविंद्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गांधी ने मस्ती के साथ साथ वातावरण की प्रतिकूलता में भी जीने की
अद्भुत कला सीख रखी थी। व्यक्तिगत लाभ, हानि, सुख दुख, आशा निराशा की भावना मानव हृदय की सोच है। मनुष्य मात्र का संबंध परमेश्वर से है, अतः उसे अपना हृदय की जो भी उसके मन में विचार आते हैं उनका परित्याग कर स्व से पर से जोड़ना होगा। अतः मानव को चाहिए कि संघर्ष, जीवन संघर्ष में नैतिकता और दृढ़ संकल्प शक्ति का सहारा रह लेकर वह सदा मुस्कुराता रहे, और जो भी अपनी जीवन को है उसे जीना है, उसे बहुत सरस, बहुत मस्ती से जिए। जो भी परिस्थिति हो उससे मनुष्य को नहीं घबराना चाहिए, और यही हमें शीरीष के फूल से प्रेरणा मिलती है। लेखक यही बात मनुष्य को समझाना चाहता है कि हमें हर परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए, क्योंकि जो भी परिस्थितियां हैं वो तो बदल नहीं सकती, लेकिन मनुष्य अपने आप को बदल सकता है। दोस्तों, ये था शीरीष के फूल पाठ का सारांश। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।